कराची में पीआईए होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर बोर्ड को ब्रीफिंग। जराए के मुताबिक फ्रांस और नीदरलैंड्स में होटल समेत पीआईए के असासों के हवाले से ब्रीफिंग। पीआईए की परवाज़ों पर आइंदा मई में यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान। यूरोपीय ममालिक की परवाज़ों की बहाली से पीआईए को खरीदने में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से बताइएगा। आफ्ताब जी, बिल्कुल, जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीआईए होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास जो है वो हुआ है और इसमें न सिर्फ निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर बोर्ड को ब्रीफिंग दी गई है बल्कि पेरिस और नीदरलैंड में जो होटल्स हैं उस समय जो है दीगर असासों के हवाले से भी पीआईए के शोबे वर्क्स ने जो है ब्रीफिंग दी है। इसमें ये भी कहा गया कि पीआईए की परवाजों पर आइंदा माह जो है वो मई में यानी यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने के अमकान है, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो यूरोपीय यूनियन की जो टीमें थी और उसके अलावा इकाओ की जो टीम है और दीगर जो है उन्होंने ऑर्डर भी किया है सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीआईए का, तो इस तनाजुर में ये बात कही गई है। और इससे यूरोपीय मुल्कों में बहाली से सालाना अरबों रुपए की जो है वो आमदनी फिर पीआईए को मुतवक्के हो जाएगी। इसके साथ साथ पीआईए की तंजीम और नौ के हवाले से भी ताज़ा तफसीलात जो है वो बोर्ड को उनके आगाही दी गई और इसमें एक और चीज पर गौर किया गया कि पीआईए की निष्कारी और एयरलाइन की तैयारों समय रूट्स को भी जो है फरोख करने पर जो है गौर व खोज किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान अपडेट करने के लिए।